हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी थ्री ये है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट की वर्कशीट यानी कि थर्सडे की, की वर्कशीट तो इस वर्कशीट में क्या है ये जल्दी से देख लेते हैं तो आपकी वर्कशीट आज की होगी इंग्लिश की वर्कशीट और सोशल साइंस की वर्कशीट तो वर्कशीट देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट वो अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चल जाए ये वर्कशीट जो है सोशल साइंस की वर्कशीट वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दोनों हिंदी इंग्लिश में ही करेंगे हम साथ ही साथ आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देखिए ताकि आपको अच्छे से इसका कंटेंट समझ आए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट मिले तो इंग्लिश की जो वर्कशीट है वो जल्दी से देख लेते हैं तो इस वर्कशीट में आपको बेसिकली आप, बताया गया है कि जो पिछली आपकी वर्कशीट थी डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसी की ये कंटिन्यूएशन है सो इट मस्ट डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट सो उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वर्कशीट में अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया होगा याद है हमने एक स्टोरी सुनी थी और उसमें जो कैरेक्टर था इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था सिद्धार्थ का कैरेक्टर वो हमने डिस्क्राइब किया था लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने अपने फेवरेट कैरेक्टर का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा तो इस वर्कशीट में भी उसी का रिविजन है कि हम कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि यूजली लोगों को डिस्क्राइब करते हुए तीन तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है वो तीन जो तरीके हैं वो है फिजिकल अपियरेंस कि वो कैसे दिखते हैं पर्सनालिटी उनका नेचर कैसा है एटीट्यूड कैसा है और लास्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस इसके अलावा और भी कई तरीकों से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं हम एड ऑन कर सकते हैं इसमें लेकिन जनरली ये तीन जो चीजें हैं ये तीन कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम किसी इंसान को किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल अपियरेंस में हम उनकी कलर ऑफ आईज हेयर स्किन टोन उनकी हाइट बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फेस टाइप्स ऑफ क्लोथ इन सब की बात कर सकते हैं कि कैसी उनकी आंखें हैं कैसे बाल हैं कैसा स्किन का कलर है कैसी कितनी हाइट है उनका फेस की शेप कैसी है उनके कपड़े कैसे हैं वहीं हम पर्सनालिटी में ये बात कर सकते हैं कि उनका टेम्परामेंट कैसा है क्या वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या काम पर्सन है बहुत शांत रहते हैं उनका एटीट्यूड कैसा है जिंदगी की तरफ बहुत सैड रहते हैं नेगेटिव रहते हैं या बहुत पॉजिटिव रहते हैं फ्रेंडली रहते हैं उनका नेचर कैसा है बहुत बातूनी है टॉकेटिव है या बहुत ही फ्रेंडली है उनके इंटरेस्ट क्या हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें करना पसंद है जैसे बिबलीओ है जैसे बुक लवर को बिबलीओ बोलते हैं अगर वो म्यूजिशियन है पर्कशनिस्ट हैं उसी तरह से फीलिंग्स और इमोशन में वो क्या क्या फील कर रहे हैं जब आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी पिक्चर में उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उस पिक्चर में वो कैसे दिख रहे हैं या जनरली वो कैसे दिखते हैं आप इन सब तीनों चीजों की बात कर सकते हैं अगर आप हमारी पिछली वर्कशीट में भी देखेंगे तो हमने वहां पर आपको कुछ वर्ड्स भी सजेस्ट किए हैं इन तीनों कैटेगरीज में जिन वर्ड्स को आप यूज करके आप बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं तो जरूर उस वीडियो को भी ध्यान से देखिए क्योंकि आपको वहां से बहुत अच्छी वोकैबलरी

तो इस हफ्ते भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है एविलिन ग्लेनी का ही तो ये आपको पिक्चर दी गई है एविलिन ग्लेनी की ये यह यहाँ पर देखिए ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हैं एवलिन ग्लेनी वो लेडी हैं जो 12 साल की एज में डेफ हो गई थी उन्हें सुनना बंद हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गिवअप नहीं किया और आज वो वर्ल्ड फेमस पर्केशनिस्ट uh, हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं और एक नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें प्ले करना आता है आज वो 55 फाइव ईयर्स ओल्ड है अभी भी वो जिंदा हैं आप उनके बारे में अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा तो यहाँ पर हम आपको सैम्पल टेक्स्ट सैम्पल डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं हम एवलिन ग्लेनी का आप चाहें तो बिल्कुल आप इससे आइडिया लेकर uh, अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हमने आपको और जो शब्द बताए हैं आप उन शब्दों का भी यूज करेंगे जो पिछली वीडियोस में बताए हैं आप उनका भी यूज़ करेंगे और साथ ही अगर आप अगर और अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उनकी हाइट को डिस्क्राइब किया है कि वो टॉल है वो लीन है बहुत हैवी वेट नहीं है वो उनका थोड़ी पतली है वो एंगुलर फेस है उनका थोड़ा एंगल वाला थोड़ा लंबा फेस है उनका गोल फेस नहीं है उनके बाल जो है वो स्ट्रेट है लंबे हैं लॉन्ग है और सॉल्ट एंड पेपर कलर है तो ये वाले जो हेयर होते हैं इन्हें हम एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कहते हैं इन्हें डिस्क्रिप्शन में इसे सॉल्ट एंड पेपर हेयर कहा जाता है जैसे नमक और काली मिर्च तो ये उसी का डिस्क्रिप्शन होता है इनकी आंखें यहाँ क्लियरली नजर नहीं आ रही है लेकिन हमें पता है कि इनकी आंखें जो है वो लाइट कलर्ड है और आई लैशेज जो है उनकी पलकें जो है उनकी वो बहुत ही हैवी हैं और ब्लैक कलर की हैं शार्प नोज है वेरी फेयर स्किन है और पिंक लिप्स हैं साथ ही साथ उन्होंने रेड कलर का लॉन्ग कोट लाइक उन्होंने ड्रेस पहनी है तो आगे भी उनके बारे में यहां पर हमने और डिस्क्राइब किया है आप बिल्कुल अपना डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कीजिए और इसे और अच्छा बना सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए उस चीज की अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें आप तो हमसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं अगर आपको किसी वर्ड में हेल्प चाहिए या कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं अब चलते हैं आपकी अगली सोशल साइंस की वर्कशीट पर तो आपकी जो सोशल साइंस की वर्कशीट है वो है हिस्ट्री की वर्कशीट तो हिस्ट्री की जो वर्कशीट है हम कर रहे थे समाजवाद कर रहे थे हम इसमें सोशलिज्म कर रहे थे अगेन ये ट्वेंटी अगस्त ऑगस्ट की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी थ्री इसमें रशियन रेवोल्यूशन अब हम करेंगे लास्ट टाइम हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी अब हम रशियन रेवोल्यूशन पार्ट वन जो है यहाँ पर डिस्कस हो रहा है आ, हम इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे मैं पहले आपको इंग्लिश की वर्कशीट थोड़ा सा दिखा देती हूँ फिर मैं आपको हिंदी की भी दिखाऊंगी और वापस से हम फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो साथ में इसके करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है बिफोर रशियन रेवोल्यूशन तो रशियन रेवोल्यूशन शुरू होने से पहले क्या सिचुएशन थी वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है सो द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड लाथविया एस्तोनिया पार्टस ऑफ पोलैंड यूक्रेन एंड बेलारूस जॉर्जिया आर्मेनिया एंड असबेज तो रशियन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था उससे पहले जो पूरा रशियन एम्पायर था उसमें आज के टाइम की ये जो सारी कंट्रीज हैं ये सभी कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड थी ये ध्यान से देखिएगा आगे इस पे क्वेश्चन भी है तो ये वहां पर रशियन एम्पायर में ये सभी कंट्रीज इंक्लूडेड थी रशियन एम्पायर जार निकलस टू तो जार निकलस टू जो थे वो निरंकुश शासक थे ऑटोक्रेटिक रूलर थे मतलब कि उन्हीं का रूल रहता था और सिर्फ वो जो कहते थे वैसे ही उस एम्पायर में रशियन एम्पायर में होता था मिडिल क्लास लिबरल्स लैग्ड पॉलिटिकल राइट्स तो वहां पे लिबरल जो लोग थे उदारवादी जो लोग थे हम अगेन लिबरल्स कौन होते हैं ये ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं अगर आपको समझ रहे हो तो जरूर पिछली वीडियोस देखिए तो लिबरल्स जो थे उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे तो uh, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज वह इल्लीगल इन रशिया तो रशिया में आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते थे वो इलीगल था आज के टाइम में जैसे अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं कांग्रेस है बीजेपी है, है आप पार्टी है और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो हम बना सकते हैं लेकिन रशिया में ऐसा उस समय पर रशियन रेवोल्यूशन आने से पहले ऐसा नहीं था वहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बन सकती थी और जार निकलस टू जो कहते थे वही होता था अबाउट एटी फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन अर्न देअ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर अब यहाँ से जो है उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी रशियन रेवोल्यूशन की वो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पर आर्थिक स्थिति क्या थी समाज की क्या स्थिति थी वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे भी इस पर क्वेश्चन है तो वो जो वहाँ पर जो लोग रहते थे उसमें से 85 परसेंट जो लोग थे वो खेती करके अपनी कमाई करते थे वहां से उनकी अर्निंग खेती से होती थी ओनली द रिच फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड तो सिर्फ जो बहुत अमीर जो फार्मर्स थे किसान थे सिर्फ उन्हीं के अपने खेत थे अपना ही एरिया था अपने क्षेत्र थे लेकिन बाकी जो है वो दूसरों के लैंड पर काम करते थे

वो जो है उनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी तो so, 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 सिर्फ ये तीन तरह के लोग थे जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी बाकी सभी लोग जो है बहुत ही गरीब थे वहां पर जनरली द रिलेशन बिटवीन peasants एंड landlords were वर नॉट गुड तो जनरली जो है वहां पर जो लोग किसान लोग जो काम करते थे और उनके ऊपर जो जमींदार होते थे उनके रिलेशन भी अच्छे नहीं होते थे मेनी टाइम्स द पीजेंस यूज टू रिबेल्व फॉर नॉट पेइंग रेंट और ओइंग लैंड तो कई बार क्या होता था कि जो किसान लोग थे वो विद्रोह भी कर देते थे रिबेल भी कर देते थे क्यों क्योंकि उन्हें या तो पैसा नहीं दिया जाता था या उनका जो लैंड था क्षेत्र जो था वो उनसे छीन लिया जाता था ड्यू टू द टफ जोग्राफिकल कंडीशन जनरली ओनली वन क्रॉप वॉज कल्टिवेटेड इन अ ईयर तो रशिया में जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है बहुत ही टफ है वहां पर बहुत ही अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पर अगर आज भी आप रशिया जाएंगे तो वहां पर बहुत ही ठंड मिलेगी आपको मतलब बहुत ही ज्यादा बर्फ मिलेगी वहां पर क्योंकि ऐसी कंडीशन थी तो इसलिए वहां बहुत उपजाऊ जमीन नहीं थी और इसीलिए वहां पर एक साल में जनरली एक ही क्रॉप एक ही फसल उगाई जाती थी प्रामिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ वर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जगहें थी क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है काम करती थी जैसे कि आज हमारी कंट्री में अगर आप देखें तो डेली एक इम्पॉर्टेंट जगह है मुंबई इम्पॉर्टेंट जगह तो ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं बैगलोर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजर लेवल पे चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजिकल इन्ोवेशनस हुए हैं बहुत अच्छे से तकनीकी काम होते हैं तो उसी तरह से उस समय पर वहां पर भी रशिया में भी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ऐसी जगह थी जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज जो है डेवलप हुए थे यह आयरन एंड स्टील एंड कोल प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली तो यहाँ पर लोहे का स्टील का काम और कोयले का जो काम था प्रोडक्शन जो था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था द कंडीशन ऑफ लेबर क्लास वॉज वेरी पुअर लेकिन जो लेबर क्लास जो थी जो बिल्कुल ही श्रम श्रमिक वर्ग जो था बिल्कुल ही uh, poorest of all socio जो सिचुएशन uh, में लोग थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन उन्हें बहुत लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था तो आज के टाइम में हम बोले तो अरे चलो मैंने दिन में सात आठ घंटे काम कर लिया बहुत है लेकिन नहीं वो बारह बारह पंद्रह पंद्रह घंटे एक दिन में काम किया करते थे मेजोरिटी ऑफ द लेबर्स वर कनेक्टेड टू देयर विलेजेस एंड ऑफन यूज्ड टू गो बैक होम ड्यूरिंग कल्टीवेशन पीरियड अब ये जो लेबर्स थे वहां पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते थे वो अपने गाँवों से भी जुड़े हुए थे और जैसे ही कल्टिवेशन पीरियड आता था तो जैसे हमने कहा साल में एक ही क्रॉप कल्टिवेट की जाती थी तो जैसे ही कल्टिवेशन पीरियड आता था फसल को काटने का समय आता था तो इन लोगों को घर भी वापस जाना होता था और वहां पर भी जाकर काम करना होता था

तो ये जो रशियन फार्मर्स थे किसान जो थे ये जो है अपना जो एरिया है जो थोड़ा 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 एरिया था इस सबको जोड़ लेते थे तो पूल कर लेते थे मतलब सबको मिला लेते थे और फिर साथ में ही उसको फिर वो कम्यून बुलाते थे या कम्यून या उनकी भाषा में मीर बुलाते थे और फिर साथ में मिलकर वहां पर खेती करते थे दिस फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म बिकेम द मोटिवेशनल बेस फॉर सोशलिस्ट रेवल्यूशन तो फाइनली जब वो ऐसे साथ में मिलकर काम करते थे तो उससे ये जो कलेक्टिविज्म की भावना आई ये जो साथ में मिलकर काम करने की भावना आई इसी से ही यही एक बेसिस बना मोटिवेशनल बेस बना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करने का तो ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उसका बेसिस यही भावना थी सब में साथ मिलकर काम करने की भावना से ही इससे मोटिवेशन आया

उसको वो खत्म करना चाहते थे वो चाहते थे कि भाई एक इंसान के हाथ में पावर क्यों रहे हम सब यहाँ मिलकर रहते हैं हम सब के हाथ में पावर होनी चाहिए और वो और साथ ही साथ वो इससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि वहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा पुअर थी तो वहां की आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही ज्यादा खराब थी लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता था दिन रात काम करते थे लेकिन काम करने के बावजूद भी उन्हें खाना नसीब नहीं होता था तो इसलिए लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे तो इसलिए वो चाह रहे थे कि जो ऑटोक्रेटिक रूल है निरंकुश जो उन पर रूल हो रहा है उसको वो खत्म कर दे और अब वो चाहते थे कि सोशलिस्ट और पार्लियामेंट्री रूल आ जाए तो लोग जो है मिलकर वहां पर उनका उनके ऊपर शासन करने लगे तो यही मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ तो हिंदी में भी यही आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो उदारवादी सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी थे ये खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे तो ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे और यही जो सामूहिकता की भावना थी यही समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक आधार बना था आगे चलते हैं हम आपको आगे क्या बताया गया है इसमें तो रूस में फिर समाजवाद कैसे आया तो ये तो रशियन रूल रेवोल्यूशन के पहले की बात थी पहले ये सिचुएशन थी उसकी वजह से फिर लोग जो है बहुत ही ज्यादा बहुत ही डिससेटिस्फाइड फील करने लगे बहुत ही असंतोष लोगों में फैल चुका था कि नहीं हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो हमें मिलकर जो है ऑटोक्रेटिक रूल जो है ये जो निरंकुश शासन जो है इसके खिलाफ हमें उठना चाहिए तो फिर समाजवाद रूस में आया और वो कैसे आया रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ था तो फाइनली जो है रशियन uh, सोशल uh, uh, जो ये डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी लेबर पार्टी जो थी वो 1898 में ये बनी किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया तो 1900 में भी सभी पीजेंस ने मिलकर भी एक uh, पार्टी का गठन किया 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोलशैविक या बहुमत और मेनशैविक जो अल्पमत में विभाजित हो गई तो यही चीज मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ तो सोशलिज्म इन रशिया कैसे आया तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है ये एक पार्टी फॉर्म हुई ये फॉर्म हुई 1898 में साथ ही साथ जो वहां के किसान थे उन्होंने भी एक और पार्टी बनाई सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में उसके बाद फिर 1903 में 1903 में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जिसमें कि जिसमें कि बोल्शेविक जो मेजोरिटी के लोग थे तो बहुत ज्यादा संख्या में बहुसंख्यक जो लोग थे मेजोरिटी जो लोग थे उनको वहां पर बोल्शेविक कहा जाता था और जो कम नंबर में लोग थे माइनॉरिटी में जो लोग थे उन्हें मेनशेविक कहा था तो उससे जो है ये रशियन डेमोक्रेटिक बनी जो जिससे कि मेजोरिटी बोल्शेविक और मेन शेविक में जो है पार्टी जो है डिवाइड हो गई थी आगे क्या हुआ फिर अब ये जब पार्टी बन गई और लोग सब साथ में आ गए और लोग आपस में बात करने लगे कि नहीं हमें जो है अब इनका ऑटोक्रेटिक जो रूल है उसके खिलाफ हमें जाना चाहिए तो उसके बाद 1905 में फाइनली रेवोल्यूशन करने के लिए ये सब लोग तैयार हुए और सबने क्या किया कि जब सब हर जगह जो है एक अनरेस्ट फैला हुआ था तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनरेस्ट व्हेन चेंज वाज़ डिमांडेड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स रीच द विंटर पैलेस ऑफ द जार तो जब आपस में सब लोग बात कर रहे थे सब कह रहे थे कि नहीं नहीं हमें जो है कुछ करना चाहिए तो सब लोग जो है मिलकर एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो है वो मिलकर जार का जो विंटर पैलेस था मतलब कि सर्दियों का जहां पर वो सर्दियों में रहते थे वहां पर वो मिलकर जो है उन्होंने उसकी तरफ जाकर मार्च करने की अः सोची तो वहां पर वो सब इकट्ठा होकर जार का जो घर था उनकी उसकी तरफ वो लोग मिलकर जो है चलने लगे एक जुलूस उन्होंने निकाला द ग्रुप वॉज अटैक्ट बाय द पुलिस लेकिन क्या हुआ जब वो ये ग्रुप वहां पर पहुंचा तो पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया ओवर हंड्रेड वर्कर्स वील्ड सौ से भी ज्यादा वर्कर्स वहां पर मर, मारे गए और ये जो इंसिडेंट था ये हिस्ट्री में इसे ब्लडी संडे खूनी रविवार के नाम से इसको जाना जाता है ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है तो सौ से भी ज्यादा लोग वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था लोग बस मार्च कर रहे थे लेकिन पुलिस जो है उन्हें देखकर एकदम घबरा गई और उन्हें वो तितर बितर करना चाहती थी तो इसलिए उन्होंने उस पर अटैक कर दिया उस पूरे ग्रुप पर और सौ से भी ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे तो इसलिए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है और इसमें अब इससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ तो वैसे तो ये अनसक्सेसफुल रहा ये रेवोल्यूशन क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे लेकिन फिर भी एक काम ये हुआ कि जब प्रेशर आया जार निकलिस टू पर जब प्रेशर आया जार का मतलब होता है एक तरह से राजा तो रशिया में राजा को जार बोला जाता है उसकी स्पेलिंग टी एस ए आर है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जार होता है तो फाइनली ये जब ब्लडी संडे हुआ तो उसके बाद जो है जार निकलस पे बड़ा प्रेशर आया और उस वजह से फिर उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि एक क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा तो उन्होंने फिर ये बोला कि अब हम एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाएंगे हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे ऐसे लोगों को उसमें सिलेक्ट किया जाएगा जिनसे कि मैं कंसल्ट करूंगा मैं राजा हूं लेकिन मैं उनसे कंसल्ट करूंगा कि कैसे काम किया जाए लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं और उनसे मैं कंसल्ट करूंगा और फिर डिसीजन लिए जाएंगे तो ये जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो थी इसको ड्यूमा कहा गया तो उनकी भाषा में इसको ड्यूमा कहते हैं तो ये काम हुआ वहां पर uh, जो खूनी रविवार के बाद ये बड़ा काम uh, क्रांति के दबाव में ज़ार ने किया कि एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति उन्होंने दे दी उसके बाद फिर क्या हुआ फिर आया प्रथम विश्व युद्ध सो so, 1905 में ये हुआ ड्यूमा भी बन गया लेकिन फिर भी बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि ड्यूमा बन तो गया था लेकिन फिर भी जार निकलिस टू के हाथ में बहुत ज्यादा पावर थी तो इसलिए वो ड्यूमा बनने के बावजूद भी बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए और अभी भी लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान थे लोगों को खाने के लिए कुछ था नहीं और साथ ही साथ एक और चीज मेजर चीज ये हो गई उन्नीस से लेकर उन्नीस के बीच में कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उसमें क्या हुआ उसमें रूस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई थी तो रशिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो उसमें क्या हुआ इस इस सौ uh, चौदह और 1917 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और रशिया हार रही थी तो युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो थी वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट uh, हुई साथ ही साथ मजदूरों की भी कमी हो गई तो लेबर जो थे वो भी बहुत ज्यादा कम हो गए क्यों क्योंकि सभी को आर्मी में वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया गया था तो लार्ज नंबर में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था भले ही वो आर्मी में थे या नहीं थे लेकिन उनको रिक्रूट करके बस वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया गया था इसलिए लेबर भी नहीं था काम करने के लिए और साथ ही साथ सेना को खिला खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी अब इतनी बड़ी जब आर्मी है तो उनके लिए खाना भी जाएगा अब जब खाना वहां पर भेजा गया उनके लिए तो आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा पहले तो वैसे ही वो इतने गरीब होते थे कि खाने के लिए नहीं होता था साथ ही साथ जब आर्मी में को भी बहुत सारा खाना वहां पर भेजना पड़ा वर्ल्ड वॉर की वजह से तो लोगों के पास बिल्कुल भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा साथ ही साथ एक और भी यहाँ पर दिक्कत होने लगी थी कि जो जार निकलस टू थे उनके जो और सामंतवाद जो थे बाकी जो जनरल थे वो इस सारी सिचुएशन के बाद भी लोगों से उतना ही टैक्स मांगते थे तो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान थे कि इतना कुछ होने के बाद भी उतना ही उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था कमाई उनकी कुछ थी नहीं लेकिन टैक्स पूरा था और दिक्कत उससे ये हो गई थी कि फिर उन्होंने ये कहा कि अगर वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा उनको मार दिया जाएगा तो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे तो सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ कि सभी लोग बहुत परेशान थे इवन आर्मी भी बहुत परेशान थी और वो ये युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी और इसलिए वो भी जो है रेवोल्यूशनरीज का साथ देने लगे तो आज के आपके वर्कशीट में यही कंटेंट है मैंने अच्छे से ये समझा दिया है कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए तो इसलिए मैं जल्दी से जो है आपके आंसर्स यहां पर बता देती हूँ तो पहला क्वेश्चन है आपका रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे तो ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है यहां पर आप ये जो पहली लाइन है आपकी वो आप इस आंसर में लिखेंगे सेम ही इंग्लिश में भी है मैं साथ में ही इंग्लिश का भी दिखा दूंगी बाद में फिर चलते हैं प्रश्न दो पर रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी थी तो यहाँ पर जो ये रूसी क्रांति से पूर्व उनकी कैसी सिचुएशन थी तो यहाँ पर आप ये बात कर सकते हैं कि ये सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी थी तो ये आप पूरा यहाँ पर ये थोड़ा लंबा आंसर है लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है तो आपको यही लिखना पड़ेगा ये पूरा लंबा आंसर और यहां से एक लाइन और बस इस अगले पैराग्राफ की ये एक लाइन और यहाँ पर आप लिखेंगे ठीक है अब चलते हैं आपके प्रश्न तीन पर प्रश्न तीन आपका कहता है फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं संक्षेप में लिखिए तो ऑलरेडी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति डिस्कस कर चुके हैं आज हमने रशियन रेवोल्यूशन रूसी क्रांति डिस्कस किया है तो इन दोनों में क्या आपको दो डिफरेंस दिखते हैं और दो सिमिलैरिटीज दिखनी है ये आपको ब्रीफली छोटे में लिखना है तो ये आंसर जो है ये उत्तर जो है मैं आपको इंग्लिश का जब मैं डिस्कशन करूंगी वही हिंदी में भी आपको दिखा दूंगी साथ ही आपसे प्रश्न चार पूछा गया है कि युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं तो अगर कोई युद्ध होता है खासकर जब वर्ल्ड वॉर मतलब पूरी दुनिया में एक युद्ध होता है तो उस पर जो देश की जनता है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं वो आपको यहां पर डिस्कस करना है तो अगेन मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट के साथ इसका आंसर बताती हूँ अब चलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन uh, वन का क्या आंसर है मैं वो आपको मार्कआउट कर देती हूँ तो वो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन वन का आंसर आएगा ये जो मैंने आपको पहले डिस्कशन के टाइम में भी समझाया था कि ये जो है ये आपका आंसर वन हो जाएगा उसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन टू पर क्वेश्चन टू अगेन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी रशियन एम्पायर की रशियन रेवोल्यूशन से पहले तो इसमें भी आप ये पूरा यहाँ पर लिखेंगे इधर जार निकलस रशियन एम्पायर जार निकलस यहां से लेके ये पूरा आप लिखेंगे ये यूज टू डू फार्मिंग टूगेदर तक ये आपका आंसर टू है थोड़ा लंबा है कोई बात नहीं अब क्वेश्चन यही है तो आपको आंसर तो अच्छे से लिखना है ही फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर क्वेश्चन थ्री क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं क्वेश्चन फोर भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं क्या है तो जल्दी से इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं तो इंग्लिश में आप आंसर यही लिखेंगे यहां पर सिमिलैरिटीज दे दी गई हैं दो सिमिलैरिटीज और यहां पर दो डिफरेंसेस भी दे दिए गए हैं अब मैं आपको आंसर जो है हिंदी में जल्दी से दिखा देती हूं तो ये है आपका हिंदी में आंसर हिंदी में भी आप इस आंसर को देख सकते हैं अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ अ वॉर कैन अफेक्ट द पीपल ऑफ अ कंट्री मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें क्या लिखना है कि युद्ध कैसे लोगों को अफेक्ट करता है मैं जल्दी से आपको आंसर दिखा देती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है ये आंसर अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या इस आंसर में या किसी और क्वेश्चन या आंसर या वर्कशीट में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए ये पार्ट वन है वर्कशीट का पार्ट टू हम इस वर्कशीट में आगे भी डिस्कशन करेंगे रशियन रेवोल्यूशन पर तो अगर कोई डाउट है तो आप वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही है इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए और साथ ही आगे और इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू